Hello students of class 12th, I welcome you in today's English literature lecture. Today again we will continue this lesson, the homecoming. We will start its 8th part. Now in the 8th part, he thought of his band of boy companions over whom he was despot, and above all the memory of that tyrant mother of his, who had such a prejudice against him, occupied him day and night. A kind of physical love like that of animals, a longing to be in the presence of the one who is loved, an inexpressible wistfulness during absence, a silent cry of the inmost heart for the mother, like the lowing of calf in the twilight. This love, which was almost an animal instinct, agitated the shy, nervous, lean, uncouth and ugly boy. No one could understand it, but it preyed upon his mind continually. उसने अपने साथ के उन लड़कों के दल के बारे में भी सोचा जिनके ऊपर वह अपनी हुकूमत चलाता था, और इन सारी बातों से ऊपर उसे अपनी उस निष्ठुर माँ की भी याद आई जिसके अंदर उसके विरुद्ध एक द्वेष भावना थी। इन सारी स्मृतियों ने उसे दिन रात घेर लिया था। पशुओं की तरह का एक प्रकार का दैहिक प्रेम, जिसे प्रेम किया जाता है, उसके सामने बने रहने की लालसा, ऐसे स्थान से अनुपस्थित बने रहने के दरमियान एक अव्यक्त चिंता, अपने मन में माँ के प्रति एक शांत पुकार, जैसी कि गोधूली के समय में एक प्यारे से बछड़े के अंदर होती है, ऐसा प्रेम जो लगभग एक पशु सहज स्वाभाविक प्रेरणा के समान ही था, ऐसी इन सारी भावनाओं ने उस शर्मीले, घबराहट से भरे हुए, दुबले पतले देहाती ग्रामीण बदसूरत से दिखने वाले लड़के को आंदोलित कर दिया था। कोई भी इस बात को समझ नहीं सका, परंतु यह बेचैनी लगातार उसके मस्तिष्क को खाए जा रही थी। There was no more backward boy in the whole school than Fatik. He gaped and remained silent when the teacher asked him a question, and like an overladen ass, patiently suffered all the blows that came down on his back. When other boys were out at play, he stood wistfully by the window and gazed at the roofs of the distant houses. And if by chance he espied children playing on the open terrace of any roof, his heart would ache with longing. पूरे स्कूल में फटिक से बढ़कर पिछड़ा हुआ लड़का और कोई नहीं था। जब अध्यापक उससे कोई प्रश्न पूछ लेता था, तब वह बोलने के लिए मुंह फाड़ता और चुप ही बना रहता था, और अत्यधिक बोझ से लदे हुए गधे की तरह धैर्य के साथ मुक्कों घूसों के उन सारे प्रहारों के कष्टों को सहन करता था जो उसकी पीठ पर बरसते थे। जब दूसरे लड़के खेलने के लिए बाहर चले जाते थे, तब वह चिंताओं से भरा हुआ खिड़की के सहारे खड़ा रहता था और दूर मकानों की छतों पर निगाह भरकर देखा करता था, और यदि संयोगवश किसी मकान की खुली छत पर वह खेलते हुए बच्चों की एक झलक पा लेता था, तो उसका हृदय
तीव्र लालसा के दर्द से कराह उठता था। तो बच्चों, आज के लिए ये केवल दो पैराग्राफ, आशा है आपको समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।